अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और अगर कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम। अब हमारा अगला टॉपिक है सपोर्ट रिएक्शंस। तो सपोर्ट्स क्या होते हैं मान लीजिए कि एक सरफेस ले रहा हूं और उस पर एक बॉडी है तो बॉडी का खुद का वेट होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो उसको काउंटर करने के लिए ये सरफेस एक रिएक्शन देती है इन अपवर्ड डायरेक्शन आर, तो बेसिकली ये रिएक्शन का मेन पर्पस क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये सपोर्ट या फिर रिएक्शन नहीं होते तो क्या होता है कि ये बॉडी क्या यही पोजीशन में रहती नहीं इस पे नाइट फोर्स W लगता और ये बॉडी की मोशन होती इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो बेसिकली सपोर्ट क्या करता है कि जो इसकी मोशन है वो क्या करता है नलीफाई करता है मीन्स इसको सिस्टम को क्या करता है इन इक्विलिब्रियम में रखता है तो यही मेन पर्पस होता है सपोर्ट का जनरली यहाँ पे तीन टाइप के सपोर्ट्स होते हैं तो पहला सपोर्ट होता है सपोर्ट ऑफरिंग रिएक्शन विद नोन डायरेक्शन तो ये ऐसे सपोर्ट्स होते हैं जिनका जो रिएक्शन होता है वो हमें कौन सी डायरेक्शन में है वो हमें पहले से पता होता है जैसे मान लीजिए कि एक सपोर्ट ले रहा हूँ मैं रोलर सपोर्ट रोलर सपोर्ट को या तो मैं ये सिंबल से या तो फिर ये सिंबल से डिनोट करता हूँ अब रोलर सपोर्ट में हमेशा जो रिएक्शन जनरेट होता है वो ऑलवेज वर्टिकल डायरेक्शन में जनरेट होता है तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ले रहा हूं आधर अपवर्ड में होता है या फिर डाउनवर्ड में होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो बीम होता है या कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर होता है उसकी जो मोशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोहिबिटेड होती है मीन्स ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करने देता बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोशन हो सकती है मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फ्री है फ्री टू मूव है बट वर्टिकल डायरेक्शन में रोलर सपोर्ट मूवमेंट नहीं करने देता इसीलिए इसका जो रिएक्शन है वो ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन में होता है तो ये होता है रोलर सपोर्ट और वो होता है सपोर्ट ऑफरिंग रिएक्शन विद नो डायरेक्शन अब दूसरे टाइप का जो सपोर्ट होता है वो होता है सपोर्ट ऑफरिंग रिएक्शन विथ अनोन डायरेक्शन इसमें एग्जाम्पल है हमारा हिंद सपोर्ट या फिर इसे पेन सपोर्ट भी बोलते हैं हिंद सपोर्ट को मैं ये सिंबल से डिनोट करता हूं अब हिंज सपोर्ट में क्या होता है कि वो रिएक्शन देता है लेकिन उसकी डायरेक्शन हमें पता नहीं होती है जैसे मान लीजिए कि ये कुछ ऐसी डायरेक्शन में अनोन डायरेक्शन में रिएक्शन दे रहा है तो उसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें पहले इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट फाइंड करना पड़ेगा और फिर मुझे मिलेगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और उसका डायरेक्शन दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू वी बाय एच मीन्स तभी मुझे ये थीटा एंगल मिलेगा और उसका डायरेक्शन मिलेगा या इसका मतलब पहले से मुझे रिएक्शन का यहाँ पे डायरेक्शन पता नहीं होता है मुझे फाइंड करना पड़ता है तो सपोर्ट का बेसिकली रोल क्या होता है के जैसे मान लीजिए कि ये हिंज सपोर्ट है और ये बीम है तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों को रेजिस्ट करता है मीन्स ये बीम को या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर को कोई भी डायरेक्शन में मोशन ऑफ ट्रांसलेशन नहीं करने देता आइदर हॉरिजोंटल और वर्टिकल बट ये सपोर्ट मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता मींस मोमेंट इसमें बीम की या कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर की हो सकती है आइदर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज तो ये होता है हमारा सेकेंड टाइप का सपोर्ट अब जो थर्ड टाइप का सपोर्ट है दैट इज सपोर्ट ऑफरिंग रिएक्शन विद अन डायरेक्शन एंड द कपल मोमेंट तो इसका एग्जाम्पल है फिक्स्ड सपोर्ट या फिर इसे बिल्ट इन सपोर्ट भी कहते हैं फिक्स सपोर्ट को मैं ऐसे सिंबल से डिनोट करता हूं अब फिक्स सपोर्ट में क्या होता है जो रिएक्शन होता है उसका डायरेक्शन तो अननोन होता ही है और साथ में ये एक एडिशनल मोमेंट भी जनरेट करता है तो इस आर फाइंड करने के लिए मुझे सेम प्रोसेस करना पड़ेगा दैट इज मुझे इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है उससे क्या होगा कि मुझे आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर उसका डायरेक्शन मिल जाएगा दैट इज़ इक्वल टू वी बाय एच और जो बीम है या और स्ट्रक्चर मेंबर है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट फोर्स की जो मोमेंट है उससे मुझे ये सपोर्ट मोमेंट भी मुझे मिल जाएगी दैट इज एम अब यहां पे फिक्स्ड सपोर्ट का मतलब क्या है कि फिक्स्ड सपोर्ट ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करने देगा ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करने देगा ना ही ये कोई भी मोमेंट जनरेट करने देगा तो ये तीनों तरह से इसको रेजिट कर रेजिस्ट करता है तो ये होता है हमारा फिक्स्ड सपोर्ट जनरली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो मेंबर्स होंगे उसमें ये रिएक्शंस होंगे और कुछ टाइप के लोडिंग होंगे दैट इज एल वन एल टू और एल थ्री हम क्या करेंगे कि ये स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम में लेकर हम सिग्मा एफ एक्स लेंगे, लेंगे और सिग्मा मोमेंट ये तीन कंडीशन लेके हम सपोर्ट रिएक्शन फाइन करते हैं अब इसमें एक नोट है कि एस पर मैथमेटिकल रूल मेरे पास तीन कंडीशंस है तो इससे मैं तीन अनोन्स सी फाइन कर सकता हूं इसका मतलब यहां पे मैं सिर्फ तीन रिएक्शन ही फाइन कर सकता हूं तीन से ज्यादा अगर अन होंगे तो मैं यहां पे फाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास यहां पे तीन ही कंडीशन है तो ये एक नोट है